छत्तीसगढ़ जिला सरगुजा का विकास खंड बतौली जो आज सरकार के पन्नों पर खुले में शौच मुक्त जनपद घोषित है। सरकार ने बड़ी वाहवाही से इस विकासखंड को पुरस्कार भी दिया है, लेकिन विकासखंड बतौली के ग्राम पंचायत बांसाझाल के इमलीपारा गांव की स्थिति बद से बदतर है। यहां पे रहने वाले कोरवा समुदाय के लोगों के घरों में बने शौचालय शौचालय जैसे लगते ही नहीं हैं। लगता है यहां कोई भेड़ बकरियों को बांधा जाता रहा होगा। आपके गांव में शौचालय की क्या स्थिति है? मेरे गांव में शौचालय कंप्लीट शौचालय मुक्त ग्राम है, निर्मल ग्राम। शौचालय बनवाई है का सरकार? तुम्हारे कोई नहीं बनवाई नहीं है शौचालय यहाँ। ये जगह कितना परिवार रहता? यहाँ 10 परिवार रथन साहब यहाँ। तो 10 परिवार खातिर शौचालय कर का व्यवस्था है? बाकी लोग बाकी परिवार कर कुछ नहीं है, कुछ कर व्यवस्था यहाँ है ही नहीं है साहब। तो जाथन ही जंगल झाड़ में चल जाथन। शौचालय बनवाने में कई प्रकार के हम लोग टीम रचे गांव में, जैसे जनप्रतिनिधि लोग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग, स्वयं सहायता समूह, मितानी लेके कई टीम बनाए और गांव गांव में घूमे और लोग को प्रोत्साहन दिए कि शौचालय बनाओ, बाहर शौच नहीं जाना है। बाहर से भी टीम आई थी कई उठू जी। तो सब ने जांच किया? जांच किया तो बताया कि सब वहाँ शौचालय मुक्त ग्राम है और देखे भी कि शौचालय बना हुआ है। यह शौचालय बने नहीं है, कब कर कहते कहते सरपंच ना कोई पंच सुने ना कोई गांवे सुने। इस समस्या में हमन ला बहुत तकलीफ पड़े हन। कहते हैं कि हम हर घर में शौचालय बनाए हैं, जबकि वो चार घर तो दिख रहे हैं जहाँ पे शौचालय नहीं है और वो बाहर जाते हैं। 2002 में जो जिनका शौचालय बन चुका था उनको उसी को रिपीट करवाए हैं। पुरवा लोग हैं तो उनको दीवार के मिट्टी बनवाए थे और प्लास्टिक से ऊपर को ढक दिए थे, तो अभी की बारिश में वो हो सकता है कि धस उस गया हो। सरपंच भी ध्यान नहीं देते हैं, का कर वो ओकर तकलीफ में हम मरा तहन। अभी पंचायत कर लोग या जनपद कर लोग तुम्हारे जग शौचालय बनाए खातिर आए रहें? नहीं आई नहीं साहब, कौन आई, अबे नहीं करते हैं। आप जब गए थे क्या उस शौचालय का इस्तेमाल हो रहा था जो अभी हमने देख हम देख के आ रहे हैं? जी जी, शौचालय का इस्तेमाल हो रहा था। पक्का? कई बार गए थे वहाँ। जो 2002 में जो शौचालय बना था पूरे गाँव ग्राम पंचायत का, इसमें से जितना भी सीट टूट फूट गया था ना उसका सबको सीट दिए हैं। जितना सहयोग हमसे हुआ उनको दिए, जैसे पाइप भी जिनका जिनका फट गया था तो पाइप दिए, सीट दिए। में शौच मुक्त गांव का मतलब होता है कि हर घर में साफ सुथरा जलयुक्त शौचालय हो। इसके लिए भारत सरकार की तरफ से स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर में शौचालय देने के लिए गरीब परिवारों को 12,000 रुपये मदद भी दी जा रही है। इस वीडियो को देखने वाले तमाम साथियों से मेरी अपील है कि कलेक्टर सरगुजा जिनका मोबाइल नंबर 94-242-44-625 है, इनको फ़ोन करें। मैं प्रकाश गुप्ता सरगुजा छत्तीसगढ़ से इंडिया अनहर्ट के लिए।